खबर मऊ जनपद से है, जहां ग्राम सभा गाजा खुर्द विकासखंड रानीपुर में इस बार चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने का कार्य कर रहे, कोई जाति के नाम पर तो कोई विकास के नाम पर तो कोई 15-85 के नाम पर जीत का दावा करते हुए वोट मांगते नजर आ रहे। इन सभी प्रत्याशियों में प्रधान पद के एक प्रत्याशी उषा यादव पत्नी विनोद यादव है, जो गाजा खुर्द से अपनी भाग्य आजमा रही है, जिन्हें लोगों का समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। इस अवसर पर जब विनोद यादव से बात की गई तो जीत आश्वस्त होते हुए उन्होंने सभी सम्मानित जनता को रामनवमी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई दी और लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। फिलहाल कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मऊ जनपद से विजय भान कुमार की रिपोर्ट। चाचा, आपके गांव में 3 प्रत्याशी हैं प्रधान के। जी हां, रुधिर राय, तारकेश्वर राय, विनोद यादव। 30 बार सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ सकता है? इस बार ही सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा विनोद यादव, इसलिए विनोद यादव के साथ हमारे गांव में 6 जातियां हैं और 6 जातियों में वोट लगभग ज़्यादा उनके पास है या उनको मानने वाले, उनको समर्थन देने वाले ज़्यादा लोग हैं हर जातियों में। तो जो हर जातियों से वोट पाता है, हर जगह से वोट पाता है, वही फाइट करता है, वही जीत हासिल करता है। एक मिनट, 15 सालों प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ, और चौहान बस्ती जो है, चौहान बस्ती में आज भी रोड पे पानी बह रहा है, बह रहा है, तो उसके लिए कुछ बताएंगे? चौहान बस्ती में आपको पता है कि वहाँ आरसीसी लगवाए हैं, पूरब तरफ रोड से और पश्चिम तरफ गांव के पश्चिम साइड तक आरसीसी लगा हुआ है, और आरसीसी लग जाने का मतलब कि एक नाली का निकास हो गया, आने जाने की रास्ता हो गई। अगर आपके पास मकान है और आप मकान में कूड़ा करकट भरें तो बनाने वाले का दोष है या देखने वालों का दोष थोड़ा है, वो तो उस घर में रहने वालों का दोष है। चौहान बस्ती को देखा जाता है तो हर गांव में पता नहीं क्या उनको सोच है, जो कश्ती में रहते हैं, सकिस्टा में रहते हैं, एक में एक सठ के रहते हैं, तो वहाँ का तो विकास लाख कोई करेगा। सुअर पशु है ना, देखिए हमारे पास भैंस है, मैं उसको बढ़िया पानी में ले गया कि नहाएगी, लेकिन वो पानी में न नहा करके गिलई में जाके लौटने लगी, और गिलई पोती भी है। तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहेगा? इस बारी का मुद्दा है 15-85 वाला, इस बारी 15-85 का मुद्दा है, क्योंकि हमारे गांव में चकबंदी हुई है और चकबंदी में गांव लगभग धारा 52 में का वो किनारा हो गया है, नहीं करीब आ गया है। अब आप समझिए कि धारा 52 से गांव जब तहसील में जाएगा तो 15-85 का जो सिस्टम है वो सामने आएगा कि हमारे गांव में 60% लोग, हमारे गांव में 60% 70% लोग फॉरवर्ड के हैं, जो जमीन के मामले में 70% राय साहब लोग हैं और 15% यादव। ये पारी इलेक्शन में के सपोर्ट कर रहे थे? उमा यादव जी। ये 10 साल पहले प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ, तो आप लोगों के कार्य भी कर लेंगे? हाँ जी। तो पूरा समाज आपका साथ? आज़ादी के समय से लेके अब तक उन्हीं लोगों का राज भी रहा है और आज भी है, इसलिए 15-85 का मुद्दा हमारे काजा गांव में खड़ा है। अब देखना है कि 15-85 का नारा सफल होता है कि नहीं होता है। भैया, आपका क्या मुद्दा रहेगा? माना भी वही मुद्दा है जो नेताजी कर रहे हैं जी। चाचा, आपका? ऐसा है कि वो फ्री है बिल्कुल, उसकी नौकरी यही है, इसलिए 15 साल रहा है, अगले बार भी रहेगा। सर जी, थोड़ा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद यादव है जी। मैं ग्राम पंचायत काजा खुर्द विकास खंड रानीपुर का 10 साल प्रधान रहा हूँ। पिछले 5 साल से प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया हूँ जी। और यहाँ पे समर्थन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, भरोसा है कि आप उनके
कार्यों पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, मैं जनता के बीच में रह करके 15-20 साल तक लगातार सेवा किया हूँ। मेरे बड़े भाई श्री अरविंद यादव भी समाज सेवा में लगे हुए, मेरा भतीजा विजय प्रताप यादव भी समाज सेवा के माध्यम से लगे जुड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल खड़ा उतरूँगा। अपने तरफ से पूरे ग्रामवासियों को रामनवमी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जयंती के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।